हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्रीसाइड नोट्स से पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। ऑन 12th अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। अब देखिए, ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया सा इवेंट चल रहा हो और वहां पर बहुत हंसी खुशी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी सौंपी गई हो और मुगल एम्परर ने सौंपी हो, ठीक है। तो लेकिन अभी देखिए, चलिए मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ जो एनसीईआरटी बुक में छपी हुई है। ये देखिए, देखने में कोई बहुत बड़ा मैजेस्टिक इवेंट लग रहा है, बहुत बड़ा कोई भव्य समारोह रखा गया हो, उसमें रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी सौंपी जा रही है, मुगल एम्परर सौंप रहे हैं, सब बड़ा खुशी से बहुत अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है देखने में। देखिए पिक्चर को ध्यान से। लेकिन जो असलियत होती थी, असलियत थी वो बिल्कुल इसके उलट थी। इसमें तो देखने में जो है लग रहा है कि बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट है, लेकिन ये घटना सिर्फ मुट्ठी भर अंग्रेजों, मतलब कुछ ही अंग्रेज रहे होंगे और कुछ वहां पर हिंदुस्तानी मौजूद होंगे और वहां पर रॉबर्ट क्लाइव होंगे, रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में चुपचाप ये इवेंट हो गया होगा। लेकिन इसको शो किया जा रहा है कि बहुत बड़ा इवेंट हुआ और बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। और ये चित्र जो है, ये जो पिक्चर है, उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। समझ रहे हैं आप, ये उसी चित्रकार ने बनाया है जिसको इन्होंने अपने जीवन के यादगार लम्हों को चित्रित करके अच्छा सा दिखाने के लिए और मेमोरेबल दिखाने के लिए जिम्मा सौंपा था। तो वो तो इन्हीं के लिए काम करेगा और इन्हीं के लिए उसको अच्छा सा इवेंट दिखाएगा कि इनके लाइफ में इतने बड़े बड़े इवेंट्स हुए। तो बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। हालांकि दीवानी हाथ में आना, क्योंकि इससे बहुत फायदे होने थे, दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले, अपने कंट्रोल वाला जो भी इनका एरिया होता था, उसके जो भी इकोनॉमिकल मामले होते थे, उसके जो भी पैसों से रिलेटेड मामले होते थे, अब उनके तो ये मुख्य शासक बन गए थे, कंपनी मुख्य शासक बन गई थी वहां पे, मतलब मेन कंट्रोल कंपनी का आ गया था, ठीक है। अब उसे किसको, कंपनी को अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था, ठीक है। अब भाई जमीन मिल चुकी थी, ठीक है, और वहां पर जो आमदनी, अब रेवेन्यूज जो मिलेंगे, वो सब कुछ अब होना है, बस उसको व्यवस्थित करने का रास्ता इनको ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। अब देखिए, अब इसके लिए कंपनी को ऐसा रास्ता ढूंढना था कि ज्यादा से ज्यादा इनकम हो, जो कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो। ट्रेडिंग कंपनी के नाते उसे यह भी ख्याल रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीदती और बेचती रहे, क्योंकि थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी ही ना, तो इसको अपनी जरूरत की चीज, और कंपनी का काम क्या होता है, जरूरत की चीजें बेचना खरीदना, ये इन बातों का इनको ध्यान रखना था। समय के साथ में कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे पूरा सावधानी के साथ में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बाहरी ताकत होने की वजह से, ये एलियन पावर थे ना, बाहर से आए थे। अब कोई भी चीज बाहरी होती है तो उसको जहां पर भी गए हैं वहां पर पहली बात तो लोगों का एक्सेप्टेंस पाना सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग हमको एक्सेप्ट करें, समझें, माने, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो बाहरी कंपनी होने के नाते, बाहरी ताकत थी ना ये, तो उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे। भाई ये तो जब आए, इससे पहले भी तो किसी का शासन चल रहा होगा, तो जो पहले शासन चला चुके थे तो उन लोगों को भी ध्यान, वो लोग भी शांत रहें, वो लोग अपोज ना करें इनको, क्योंकि वो अपोज करेंगे तो फिर वहां की आम जनता भी अपोज करेगी, तो शासन चलाना मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है। और जिसके पास अभी काफी ताकत और सम्मान था, क्योंकि जब ये आए थे तो उस समय भी सम्मान, कई लोगों के पास में ताकत थी, सम्मान था, ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, लोकल जो भी बॉडी थी, लोकल गवर्नमेंट, उसमें वो रह चुके थे, उन्हें कंट्रोल करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था कि आप बाहर से आओ और जो लोकल लेवल पर जो भी अपनी गवर्नमेंट चला रहे हो उनको अगर डायरेक्ट खत्म कर दो तो इससे जो संदेश जाएगा आम जनता में, ये बहुत गलत संदेश जाएगा। तो यह काम कैसे हो, अब देखिए कंपनी की आमदनी की बात करते हैं हम लोग, जो कंपनी की जो इनकम थी। कंपनी दीवान तो बन गई थी,
लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी कि हमको सामान खरीदना है बेचना है, व्यापारी का इतना ही काम है। तो कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, कंपनी जो है भारी भरकम रेवेन्यू, बहुत ज्यादा मात्रा में रेवेन्यू तो चाहती थी, क्योंकि काम रेवेन्यू से ही होना है। जितना राजस्व मिलेगा, जितना रेवेन्यू मिलेगा, उतना ही कंपनी का फायदा होगा। तो वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू चाहती थी, लेकिन उस रेवेन्यू के असेसमेंट का और उस रेवेन्यू के कलेक्शन का, वसूली का कोई एक परमानेंट सिस्टम वो नहीं बनाना चाहिए। अभी वो सिस्टम बनाने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि एकदम से अभी दीवानी मिली और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लोगों से लेने के लिए एक नया सिस्टम बनाना, ऐसे तो वो थोड़ा उसमें हिचकिचाहट थी कंपनी को। तो ये ऐसा सिस्टम बनाने के लिए उसकी कोशिश यही थी कंपनी की कि वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे, क्योंकि यहां पर कॉटन और सिल्क का ये ट्रेड कर रहे थे ना, बड़ा फायदा था, बहुत डिमांड थी यूरोप में। तो ये यही चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा हमको रेवेन्यू मिले, लेकिन जो कीमत हमको लगानी पड़े बढ़िया सूती हो वो कम से कम लगानी पड़े, क्योंकि इनको तो यहां पर आकर ज्यादा से ज्यादा कमाना था और देश का क्या होगा उससे इनको लेना देना नहीं था। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का जो टोटल प्राइस था वो दोगुना हो चुका था। अब दोगुना तो हो ही जाएगा, जब ज्यादा से ज्यादा इनको कमाना था तो प्राइस तो दोगुना हो ही जाएगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है। बिफोर 70, देखिए यहां पर मैं नोट्स जो है मेन मेन वो लिखता रहूंगा, आप भी लिख सकते हैं चैप्टर, जब कभी भी एग्जाम होगा क्विक रिविजन कर सकते हैं इससे, ठीक है। और इन्हीं के साथ में, क्योंकि हिस्ट्री में पूरा जो भी चीज है उसके कॉन्टेक्स्ट में जाना ये बहुत जरूरी है, अच्छी तरीके से समझना, तभी हम जो क्वेश्चंस आएंगे उनका आंसर हम दे पाएंगे। तो मैं एक पॉइंट से फिर रिलेटेड सारी बातें भी बताता चलूंगा, लेकिन मेन मेन जो की पॉइंट्स हैं मैं वो यहां पर लिखूंगा। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। बिफोर 1765 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाई इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। देखिए 1765 से पहले कंपनी क्या करती थी, ब्रिटेन से सोने और चांदी का इंपोर्ट करती थी, आयात करती थी, और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी यहां पर इंडिया में। तो इनका जो है सोना चांदी बहुत लग जाता था, लेकिन अब भाई दीवानी मिल चुकी थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे ही, जो इतना यहां पर इनको रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे उसी से ही इनका सारा काम चल रहा था, उसी से ही ये सामान खरीदती थी और यहां से एक्सपोर्ट कर देती थी। अब इनको बड़ा फायदा हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था होगी जहां पर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने में होगा, और वो भी कोई एक एलियन पावर इस काम में लग जाए, मतलब वो रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करे, वो रेवेन्यू कंट्री के लिए नहीं, वो कंट्री से बाहर जाना हो, तो कंट्री की इकोनॉमी पर क्या हाल होगा। अब देखिए जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था, जो बंगाल की इकोनॉमी थी, क्योंकि आप समझ चुके हैं पैसा यहां से लेकर वो पैसा बाहर जा रहा था, तो फिर क्या होगा इकोनॉमी का, एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। जो कारीगर थे वो गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ रही थी, समझ रहे ना, मजबूरी थी उनका बेचना, तो उनको बहुत कम पैसों पर जबरन बेचनी पड़े, तो भाग रहे थे कारीगर यहां से। किसान अपना जो भी लगान था वो नहीं चुका पा रहे थे किसान, क्योंकि उनको बड़ी समस्याएं थी किसानों को भी, और कारीगरों का जो उत्पादन था, जो उनका प्रोडक्शन था वो गिर रहा था, खेती जो थी वो चौपट होने लगी। इन 1770 अ टेरिबल फेमिन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट। अब देखिए इसी को कहा जाता है कि ग्रेट बंगाल फेमिन। 1770 में बहुत बड़े स्तर पर बंगाल में अकाल पड़ा, और 10 मिलियन, 10 मिलियन का मतलब कितना हुआ, 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई इसमें, 1 करोड़ लोग मौत की नींद सो गए। और इस अकाल में लगभग उस समय जितनी भी आबादी थी उसका 1/3 हिस्सा साफ हो गया था, साफ हो जाने का मतलब समाप्त तो हो गया था, लोग खत्म हो गए थे। ये देखिए ये बंगाल में मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक, वीकली मार्केट जो होती है हाट,
साप्ताहिक हाट है ये। तो अब देखिए, ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीजें बेचने और जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। मतलब जब भी मार्केट लगती थी तो वो आते रहते थे। अब जब आर्थिक संकट बंगाल में आया तो आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ा। तो यहां पर देखिए, उतनी उस हिसाब से भीड़ भी नहीं देखने को मिल रही है पिक्चर के अकॉर्डिंग, वरना यहां पर बहुत भीड़ हुआ करती थी, नियमित रूप से लोग आते थे, लेकिन आर्थिक संकट था बंगाल में। देखिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि मैं यहां पर लिखूंगा वही बातें जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो नोट्स हैं, इनको आप बिल्कुल लिख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट बातें समझाऊंगा मैं सब कुछ साथ में, लेकिन ये की पॉइंट्स जो नोट्स हैं वो लिखता चलूंगा और आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अभी हम लोगों ने देखा था कि द ग्रेट बंगाल फेमीन 1770 वाली बहुत बड़ी स्तर पर 1 करोड़ लोग उसमें समाप्त हो गए थे, खत्म हो गए थे, आबादी का 1/3 हिस्सा खत्म हो गया था। अब देखिए, खेती में सुधार की जरूरत थी। अगर इकोनॉमी जो थी, अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी, तो क्या कंपनी अपनी जो राजस्व या रेवेन्यू, जो इनकम थी कंपनी की, उसके बारे में पूरी तरीके से एश्योर्ड रह सकती थी? भाई, जब कहीं पर इकोनॉमिक संकट होगा, आर्थिक संकट पैदा होगा, तो क्या आप ये एश्योर्ड रह सकते हैं कि जो हमारे रेवेन्यू इनकम है वो हमारी बनी रहेगी? बढ़िया से कैसे बनी रहेगी जब लोगों के पास में पैसा ही नहीं होगा, जब वहां पर आर्थिक संकट पड़ा हुआ होगा, तो वहां पर आपकी जो रेवेन्यू इनकम है वो कैसे बनी रहेगी? आप कैसे ज्यादा से ज्यादा कमा पाएंगे आर्थिक संकट के दौर में? तो बस इसीलिए कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था, कंपनी के ज्यादातर जो ऑफिशियल्स थे वो ये सोचने लगे थे कि अब लैंड में, जमीन में इन्वेस्टमेंट करना और जो खेती है उसमें सुधार लाना बहुत जरूरी है। अब यह काम किस तरह किया जा सकता था? इस क्वेश्चन पर 2 डेकेड्स तक का बहस चली। आखिरकार कंपनी ने, अब पढ़ते हैं नोट्स, अब देखिए नोट में मैंने क्या लिखा है। द कंपनी फिर क्या किया, कंपनी ने, द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। अब देखिए, कंपनी ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, परमानेंट सेटलमेंट। अब ये याद रखने की बात है, स्थायी बंदोबस्त 1793 में कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था। अब पढ़ते हैं आखिर क्या था, फिर मैं समझा दूंगा चित्र क्या था परमानेंट सेटलमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स, दे वर आस्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, ठीक है, दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज इन फ्यूचर, इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज इन फ्यूचर, एवर इन फ्यूचर, कभी भी फ्यूचर में नहीं बढ़ाया जाएगा। चार्ल्स कॉर्नवेलिस वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वेन द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस। अब सबसे पहले तो मैं आपको चार्ल्स कॉर्नवेलिस की फोटो दिखाता हूं, उसके बाद में फिर मैं इसको पूरा अच्छी तरीके से समझाता हूं। ये देखिए, ये चार्ल्स कॉर्नवेलिस हैं। ये जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। देखिए, 1793 में कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, मतलब स्थायी बंदोबस्त लागू किया। अब इस सेटलमेंट की जो शर्तें थीं, उनके हिसाब से जो राजा थे और जो तालुकदार थे उनको जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई। राजाओं को और तालुकदार को जमींदार के रूप में मान्यता दे दी गई कि अब ये जमींदार हैं। उन्हें किसानों से जो टैक्स था वो कलेक्ट करने का और कंपनी को रेवेन्यू चुकाने का जिम्मा सौंपा गया कि आप पहले किसानों से रेंट लीजिए, लगान लीजिए, आप किसानों से पहले रेंट लीजिए, ठीक है, और उसके बाद में कंपनी को आप रेवेन्यू पे कीजिए, कंपनी को आप राजस्व चुकाइए। ये जिम्मा सौंपा गया किसको, राजा जो थे और तालुकदार, ठीक है। अब उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि, जो राजा और तालुकदार जो कंपनी को राशि चुकाएंगे, जो कंपनी को रेवेन्यू देंगे, वो परमानेंटली फिक्स कर दी गई। इसका मतलब ये था कि फ्यूचर में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाएगा, मतलब कभी भी वो जो अमाउंट पे करना है कंपनी को वो बढ़ाया नहीं जाएगा, वो उतना ही फिक्स रहेगा, ठीक है। तो अंग्रेजों को लगता था, जो ब्रिटिश थे उस समय यहां पर, उनको ये लगता था कि इससे, अब जब हमने फिक्स कर दिया है तो इससे उनको नियमित रूप से, मतलब
उनको टाइम पर राजस्व मिलता रहेगा, टाइम से अपना जो है बराबर रेवेन्यू मिलता रहेगा, और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने को प्रोत्साहन मिलेगा। और जमींदार हैं जो, वो जब रेंट लेंगे भाई, उनको रेंट का जिम्मा, जब किसानों से रेंट लेंगे हैं, तो उनको भी मौका मिलेगा कि जो जमीन है, जो लैंड है, उसमें सुधार कर सकें, तो उसके खर्च करने के लिए उनको पैसा भी उनके पास में बना रहेगा। उन्हें ये लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। तो उनको ये लगता था कि जब कंपनी जो है वो इनसे रेवेन्यू का अमाउंट जब बढ़ाएगी नहीं, जब कंपनी जितना अमाउंट फिक्स्ड है रेवेन्यू का, उतना ही लेगी कंपनी, तो फिर इन ये जो किसानों से रेंट लेंगे और जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, तो इनके पास इन ये जो है ये फायदे में रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा और उससे ये जमींदार फायदे में रहेंगे, और जब खुद फायदे में रहेंगे तो ये खर्चा किस पर करेंगे, जमीन के सुधार में खर्चा करेंगे। जमीन के सुधार में खर्चा होगा, अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन होगा, और इकोनॉमिक जो संकट आया हुआ था, आर्थिक संकट, उसमें सुधार होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जितना हम लोगों ने पढ़ा, अब इसके अकॉर्डिंग हमारी समझ में आ रहा है, इससे सब कुछ ठीक हो जाने वाला नहीं था, इसमें समस्या थी। क्या समस्या थी? देखिए, ये जो परमानेंट सेटलमेंट था, इसने समस्या पैदा कर दी। क्या समस्या पैदा किया? कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने ये पाया कि अभी भी जो जमींदार हैं वो जमीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे थे, वो जमीन में सुधार नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो रेवेन्यू फिक्स किया था वो इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। अब देखिए, जो कंपनी, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू को कम थोड़ी, कंपनी को तो ऐसा लग रहा था कि हमने फिक्स कर दिया है इनके पास में पैसा, लेकिन आपने जो रेवेन्यू फिक्स किया था वो बहुत हाई था, तो अब उनके पास में पैसा ही नहीं बच रहा था जमींदारों के पास में कि वो जमीन के सुधार में खर्चा करें। जो जमींदार कंपनी को रेवेन्यू नहीं दे पाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। ठीक है, कंपनी ने बहुत सारी जमींदारियों को नीलाम कर दिया था। अब देखिए, 19वीं सेंचुरी का जो शुरुआती समय था, 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। बाजार में प्राइसेस जो थे वो बढ़े, तो जो है जब प्राइसेस बढ़ेंगे, अच्छा दाम मिलेगा, तो खेती का भी एक्सपेंड होगी खेती। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया। अब जमींदारों, जब खेती एक्सपेंड हो रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो जमींदारों की आमदनी में भी सुधार आया। लेकिन कंपनी को, अब देखिए, उनको रेंट मिल रहा है जमींदारों को, किसानों से अच्छा, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। क्यों? प्राइसेस हाई हो गए, फायदा हो रहा है। अब देखिए, जब कमाई ज्यादा हो रही है तो कंपनी का ये मानना था, और ये होना भी चाहिए, रेवेन्यू बढ़ जाना चाहिए। जब जमींदारों को पैसा ज्यादा मिल रहा है तो कंपनी का भी रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, लेकिन कंपनी रेवेन्यू फिक्स कर चुकी थी। परमानेंट सेटलमेंट के जो कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग कंपनी अब जो रेवेन्यू का अमाउंट बढ़ा नहीं सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में, जमीन के सुधार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कि अब मैं जमीन में भी सुधार को, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। फायदा बहुत कमा रहे थे, लेकिन लैंड में कोई भी इंप्रूवमेंट जो है सुधार नहीं करना चाहते थे। उनमें से कुछ तो सेटलमेंट के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। शुरुआती साल जब थे सेटलमेंट के, तब कई सारे ऐसे थे जो रेवेन्यू नहीं पे कर पाते थे, तो वो अपनी जमीनें गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश के खतरा उठाए, मतलब कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी कि अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब जमींदार किसानों को जमीन देकर और उनसे रेंट ले लेते थे, तो उनको जमीन में सुधार करने की कोई परवाह नहीं थी, अपना काम हो रहा है बस। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। ये बहुत जो है उनको, ये जो सेटलमेंट था, किसानों को ये सिस्टम बहुत ऑप्रेसिव लगा। क्यों? क्योंकि किसानों को जो रेंट देना पड़ता था वो बहुत ज्यादा था, जमींदार उनसे बहुत ज्यादा रेंट लेते थे,
जमीन पर उनका अधिकार सुरक्षित नहीं था, और जमीन पर उसका अधिकार भी नहीं सुरक्षित था किसान का। और रेंट चुकाने के लिए अक्सर ये जो महाजन हुआ करते थे, महाजन का मतलब आप समझ रहे हैं, महाजन कौन हुए? महाजन हुए मनी लेंडर्स, जो पैसे देते थे किसानों को। देखिए, पैसों की जरूरत होती है, कर्जों की जरूरत होती है, तो जो मनी लेंडर्स होते थे, जो उनके पास में जाते थे, पैसे लेते थे, तो जो महाजन थे, महाजन से जो वो कर्ज लेते थे, जो लोन लेना ही पड़ता था उनको, अगर वह लगान नहीं चुका पाता था। अब किसान ने देखिए मनी लेंडर से कर्ज ले लिया, और अगर वो रेंट नहीं दे पाएगा जमींदारों को, तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो उसको जो उसके पास भाई उसकी पहले से जो पीढ़ियों से जिस जमीन को वो जोतते चले आ रहे हैं, जिससे वो अपना खाना पीना और खर्चे निकालते चले आ रहे हैं, उससे उनको हाथ धो बैठना पड़ता था। वो जमीन उनकी, उस जमीन से इनको बेदखल कर दिया जाता था। अब देखिए यहाँ पर बंगाल के जो रैयत, रैयत आप समझते हैं, रैयत किसानों को प्राचीन समय में रैयत किसानों कहा जाता था। तो बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक ने कुछ कहा था, तो वो देखिए क्या कहा था उन्होंने, कि बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत, ताकतवर किसान खुद खेती नहीं करते थे, वे औरों को पट्टे पर जमीन देते थे। पट्टे पर जमीन देने का मतलब लीज पर देते थे उनको, और उनसे भारी रेंट लेते थे। ठीक है, 1860 में एचटी कोलब्रुक, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, एचटी कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति, काश्तकार भी किसान ही कहे जाते थे, कुछ शब्दों में बयान की थी। अब देखिए क्या लिखा था इन्होंने, बटाई की भारी शर्तों, बटाई पर, जैसे आपने सुना होगा कि जो लोग खेती नहीं करते हैं वो अपनी जमीन बटाई पर दे देते हैं, तो बटाई पर कोई दूसरा उस पर खेती करता है, और जो खेती करके जो जो भी फसल से कमाई होती है उसमें भाई उसने खेती की है तो अपने पास भी पैसा रखेगा और कुछ हिस्सा आपको दे देगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, आपको फिर खेती कोई टेंशन नहीं लेनी है कि वहां जाकर हमको उसमें ये करना है वो करना है, फिर जिसको बटाई पर दी है वो खेती करेगा उस पे, और आपको समय से पैसा देता रहेगा। तो बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, मवेशियों का मतलब कैटल्स, जो पशु होते थे भाई, जरूरत पड़ती, पहले तो बैल से ही सब पूरा काम होता था, और जो बीज था, तो ये आजीविका मतलब सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस का मतलब यही होता है जो बस खाना पीना चलते रहना, जो जीवन यापन। ठीक है, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते थे। समझ रहे ना आप कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स, लोन लोन भी ले रखा था इन्होंने। ठीक है, तो इन सब चीजों से दबे हुए थे किसान, अपने आप को कभी भी ये कर्ज से बाहर नहीं निकाल सकते थे। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता, तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं? जीने को भी पूरा नहीं मिलता का मतलब क्या हुआ, कि उनको इतना भी नहीं मिल रहा था कि जिससे अपना जीवन यापन चल सके उनका, तो फिर ऐसे में वो मन लगाकर काम कैसे कर सकेंगे? कई सारी तो टेंशन ही रहेंगी कि अभी हमको इतना ज्यादा रेंट चुकाना है, हमको लोन चुकाना है, हमको बीजों के लिए बंदोबस्त करना है, हमको जिससे बैल से हमको जुताई करवानी है और ये सब है, उसके भी खाने का इंतजाम करना है, ये सारी चीजें, तो इसमें वो रहते थे टेंशन में, तो वो मन लगा के काम नहीं कर सकते थे, ना ही उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती थी। अब उन अपनी हालत सुधारने की उनको कोई ऐसी आशा की किरण किरण भी नहीं दिखाई दे रही थी कि जिससे ये सब चीजें सुधार कर सकते। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं, यहाँ पर एक टर्म आया है महल। अब महल का मतलब यहाँ पर पैलेस नहीं है, महाल एक्चुअली इसको बोलते थे। ठीक है, तो ये महाल कोई पैलेस नहीं है, ये इसका मतलब है जो ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड जो होते, रेवेन्यू रिकॉर्ड जो होते थे, राजस्व दस्तावेज, उसमें एक एक यूनिट थी, एक इकाई थी इसका, यह एक गांव भी हो सकता था या गांवों का एक समूह भी होता था। ठीक है, तो उसी को महाल कहा जाता था ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। ठीक है, तो एक रेवेन्यू स्टेट हुआ करता था ये, जो कि एक विलेज भी हो सकता था या ग्रुप ऑफ विलेज भी हो सकता था। चलिए आगे देखते हैं, अभी हम लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था, अब एक नए सिस्टम के बारे में देखेंगे, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट की प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देख ली थी क्या थी। देखिए जो 19th सेंचुरी थी, उस अर्ली 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी की शुरुआत में, कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात पर भरोसा हो चुका था कि जो रेवेन्यू सेटलमेंट जो उन्होंने
किया था परमानेंट सेटलमेंट, उसमें बदलाव लाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक चीज आपने हमेशा के लिए फिक्स कर दी तो फिर वो हमेशा वही रहेगा, क्योंकि प्राइसेस बढ़ेंगे तब भी आप वही, पता चला लोग प्राइसेस अच्छे खासे हो गए और जमींदार अच्छा खासा कमा रहे हैं लेकिन आपका रेवेन्यू फिक्स है, आप उससे ज्यादा लोगे नहीं। पता चला बहुत पुरानी बात करें, जब 2 रुपए की बहुत वैल्यू हुआ करती थी तब 2 रुपए हम रेवेन्यू ले रहे थे, अब आज की कि आज आज के समय में 2 रुपए की इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि लोग अगर आप लोग अपने जो है दादी बाबा से अगर पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे, हो सकता है कि अगर पहले कभी किराए पर रहते हों या अपने घर में किराए पर उन्होंने कमरे वमरे उठाए हों तो 2-2 रुपए 3-3 रुपए के किराए पर उठा देते थे। क्या आज की डेट में इतना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि समय के साथ में जैसे चीजों के दाम बढ़ते हैं, बदलता चला जाता है सब कुछ, तो वैल्यू बढ़ती चली जाती है, तो वो हमेशा परमानेंटली फिक्स्ड कर लेना वो ठीक नहीं था। तो लगभग सभी ऑफिसर्स को भरोसा हो चुका था कि अब उसमें बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो, अब पैसे की जरूरत और थी, तो वह परमानेंट सेटलमेंट से रेवेन्यू तय करके काम कैसे चला सकती है? परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू फिक्स्ड रेवेन्यू था उसमें आप काम कैसे चलेगा? खर्चे तो बढ़ चुके हैं ना। देखिए, इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज नाउ इन उत्तर प्रदेश, होल्ट मैकेंजी डिवाइज्ड न्यू सिस्टम विच केम टू बी नोन एज महलवारी सिस्टम। अब देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी में के उत्तर पश्चिमी प्रोविंसेस में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, जो कि इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ करता था, अब वो यूपी में है, तो वहां पर होल्ट मैकेंजी ने एक नया सिस्टम तैयार किया। अब देखिए, महलवारी सेटलमेंट के बारे में थोड़ा डीप में समझ लेते हैं और ये नोट्स लिख भी सकते हैं आप। दिस सिस्टम केन इन टू इफेक्ट इन 1822, इसको 1822 में लागू किया गया था। अंडर होल्ट मैकेंजीज डायरेक्शंस कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड्स एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज या महल हैड टू पे। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवेन टू द विलेज हेडमैन एंड रादर देन द जमींदार। देखिए, इसमें किया क्या गया, होल्ट मैकेंजी ने आदेश दिया और उन्हीं के आदेश पर कलेक्टरों ने गांव गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा गया, मतलब जो फील्ड्स थे उनको मेजर किया गया और अलग अलग ग्रुप्स के रीति रिवाजों को रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, गांव के एक एक खेत के एस्टिमेटेड रेवेन्यू को जोड़कर हर गांव का ग्राम समूह, जिसको आप महाल कह लीजिए, हर गांव या ग्राम समूह, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कोई भी गांव भी हो सकता है, गांव का एक समूह भी हो सकता है, महाल से वसूलने वाले रेवेन्यू का हिसाब लगाया जाता था। उसके बाद में इस रेवेन्यू को परमानेंट रूप से तय नहीं किया गया, परमानेंट सेटलमेंट की तरह, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स थी, इसको परमानेंटली नहीं फिक्स कर दिया गया, बल्कि टाइम टाइम पीरियोडिकली समय समय पर इसमें सुधार करते रहते थे, संशोधन करते रहते थे कि जब जरूरत पड़ेगी तो इसको बढ़ा दिया जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी जैसा होगा वो उसमें सुधार कर लिया जाएगा, फिक्स नहीं करेंगे। रेवेन्यू को कलेक्ट करने का और उसे कंपनी को अदा करने का जो जिम्मा था, जो जिम्मेदारी थी, जमींदार को नहीं सौंपी गई, ये जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दी गई, जो विलेज हेडमैन थे उनको सौंप दी गई। इस सिस्टम को महालवाड़ी सिस्टम कहा गया, महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। अब आपने देखिए डिफरेंस देखे होंगे, जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें कौन कलेक्ट करता था, जमींदार, और हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, लेकिन इसमें इसमें जमींदार नहीं कलेक्ट करता था, इसमें कौन कलेक्ट करता, विलेज हेडमैन जो मुखिया होते थे गांव के वो कलेक्ट करते थे और वहीं ऊपर कंपनी को भी रेवेन्यू अदा करते थे। देखिए, अभी हम लोगों ने उत्तर भारत का देखा था,
उत्तर भारत में पहले परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए थे, उसके बाद में फिर परमानेंट सेटलमेंट प्रॉब्लम्स दिखी तो महलवारी सिस्टम आया, महलवारी। ठीक है, हमने देखा था कि बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रोविंसेस में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने भी देख लिया। फिर देखते हैं एक और नया सिस्टम, द मुनरो सिस्टम। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देर वॉज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। महलवाड़ी सिस्टम उत्तर भारत में क्यों आया था, नॉर्थ इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट में प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए उसके बाद में महलवाड़ी सिस्टम आया था। तो इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देर वॉज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। द न्यू सिस्टम दैट वॉज डिवाइज केम टू बी नोन एज द रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ भी कहते थे, रैयतवाड़ी भी। इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाई कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन सम ऑफ द एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाई द कंपनी आफ्टर द वॉर्स विद टीपू सुल्तान। सब्सिक्वेंटली डिवेलप्ड बाई थॉमस मुनरो दिस सिस्टम वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। तो जो ब्रिटिश के कंट्रोल में जितना भी साउथ इंडिया का एरिया था, उसमें भी परमानेंट सेटलमेंट की जगह पर नया सिस्टम अपनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, न्यू सिस्टम अपनाया जाए, इसका प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नया सिस्टम डेवलप हुआ उसे रैयतवार या रैयतवाड़ी कहा गया, इसका नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी के द्वारा, पहले युद्ध हुआ था ना टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी का, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो उसके चले युद्ध के बाद में कंपनी ने जितना भी इलाका कब्जा किया था, तो जो भी इलाका उस युद्ध के बाद में कब्जे में आया था, वहां पर इस सिस्टम को आजमा कर देखा गया। जो थॉमस मुनरो थे, इन्होंने इस व्यवस्था को विकसित किया। और धीरे धीरे, क्योंकि शुरुआत तो छोटे से एरिया में, अलेक्जेंडर, जब हमने बताया कि जो जितना टीपू सुल्तान से वॉर में जीते थे उन इलाकों में अलेक्जेंडर रीड ने वहां पर आजमा कर देखा था। फिर धीरे धीरे जो थॉमस मुनरो थे, थॉमस मुनरो ने इस सिस्टम को धीरे धीरे और विकसित किया और पूरे दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में यह सिस्टम लागू कर दिया गया। किसने? थॉमस मुनरो ने। इसीलिए इसको मुनरो सिस्टम कहा जाता है। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स, या रैयत्स कह लीजिए इनको, हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जेनरेशंस। देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वॉज मेड। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज पैटर्नल फादर फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द रैयत्स अंडर देयर चार्ज। देखिए, जो अलेक्जेंडर रीड थे और मुनरो थे, इनको लगता था कि साउथ में परंपरागत जमींदार नहीं थे, ट्रेडिशनल जमींदार, जो पहले से जमींदार बहुत पहले से रहते चले आए हों, पीढ़ी दर पीढ़ी पुराने समय से, उनको लगता था ऐसे नहीं है। इसलिए उनका ये जो आर्ग्यूमेंट था कि उन्हें सीधे किसानों, रैयतों से ही सेटलमेंट करना चाहिए, तो उनका मतलब ये था जब यहाँ पर ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है, परंपरागत रूप से पहले से नहीं चल रहे हैं, तो सीधे किसानों से सेटलमेंट कर लेते हैं। और कौन से किसान? जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, बहुत समय से एक ही जमीन पर खेती करते चले आ रहे हैं। ठीक है, जो रेवेन्यू असेसमेंट था, असेसमेंट का मतलब होता है आकलन करना, राजस्व का आकलन, कितना रेवेन्यू ये देंगे। ठीक है, तो जो राजस्व का आकलन है रेवेन्यू असेसमेंट से पहले, रेवेन्यू असेसमेंट करने से पहले अच्छी तरह से अलग अलग उनके खेतों का सर्वे करना चाहिए। ठीक है, मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। मुनरो ऐसा सोचते थे कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की जो है रक्षा करनी चाहिए। देखिए, इसमें भी सब कुछ ठीक नहीं था। क्या प्रॉब्लम थी? जो नए सिस्टम लागू होने के बाद में, कुछ ही साल बाद, कुछ ही साल के अंदर उनमें प्रॉब्लम्स दिखने लगी। अब देखिए, जमीन से होने वाली जो आमदनी थी वो बढ़ाने के चक्कर में रेवेन्यू अधिकारियों ने, रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने बहुत ज्यादा रेवेन्यू तय कर दिया था। ठीक है,
क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा इनको कमाना था, रेवेन्यू ज्यादा ज्यादा मिले, तो इन्होंने रेवेन्यू जो फिक्स किया था वो बहुत ज्यादा फिक्स कर दिया था। अब किसान पर, किसान जो थे वो इतना रेवेन्यू चुका नहीं पा रहे थे, उनके सामने समस्या थी, इतना ज्यादा जब अमाउंट है वो चुकाएं तो चुकाएं कैसे। तो रैयत गांवों से भाग रहे थे, रैयत कौन, किसान। किसान अब जब चुका पाएंगे नहीं तो वो बेचारे भागने लगे वहां से। तो बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए बिल्कुल, क्योंकि किसान वहां से भाग ही गए, रुके ही नहीं वहां पर। और जो आशावादी अफसरों को उम्मीद थी, जो बड़ा होपफुल ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स थे, उनको उम्मीद थी कि जो नया सिस्टम है वो किसानों को संपन्न, मतलब कि उनको अच्छी तरीके से उनको रोजगार मिलेगा और उनको जो है एक मेहनती बना देगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा होता कैसे कि उनको रोजगार मिल जाता, उनकी अच्छी कमाई होती किसानों की, सब कुछ। ये तो तब होता जब रेवेन्यू की जो आपने दर तय की थी वो ऐसी हो कि उनके देने लायक हो, कि वो रेवेन्यू चुका सकें और अपना भी उसमें उनका फायदा हो सके। लेकिन रेवेन्यू बहुत हाई थे तो बेचारे वो सब भाग गए। ये समस्या थी इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाई द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। तो जब उन्होंने देखा कि सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, यहां पर अपने यूरोप में जो काम की फसलें हैं वो भी तैयार की जा सकती हैं, तो 18वीं सदी के आखिर तक, 18वीं सदी के अंत तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। इन्होंने सोचा यहां पर अफीम और नील की खेती की जाए, इसे बड़ा फायदा होगा यूरोप में, तो पूरा जोर लगा दिया। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि जो ग्रामीण इलाके हैं वो न केवल रेवेन्यू देने का काम कर सकते हैं, बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। इन द सेंचुरी एंड अ हाफ दैट फॉलोड द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड कल्टीवेटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स, जूट इन बंगाल, टी इन असम, सुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस नाउ उत्तर प्रदेश, वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास। तो देखिए अब इन्होंने क्या किया, जब ये समझ गए थे वहां पर अपनी जरूरतों के हिसाब से फसलें उगा, हम लोग जो यूरोप की जरूरतें इससे पूरी हो सकें और हमारा फायदा ज्यादा से ज्यादा हो सके, जिसकी डिमांड वहां पे खूब हो, तो इन्होंने पूरा अपने सारी जरूरतें, सारा सब कुछ सोचकर उसी हिसाब से फसलें अलग अलग जगह पर किसानों को उगाने के लिए मजबूर करते रहे, ठीक है। 150 साल तक अंग्रेज देश के अलग अलग हिस्से में, अलग अलग भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे कि आपको ये करना ही करना है हमारे मन से। बंगाल में पटसन, असम में चाय, और जो यूनाइटेड प्रोविंसेस हुआ करती जिनको संयुक्त प्रांत भी कहा जाता था आज के समय में, जो कि उत्तर प्रदेश है, वहां पर गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। अब देखिए यह सब कैसे किया गया, अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि क्या सिस्टम थे, किस तरह से क्या क्या चीजें उन्होंने अपनाई। अब यहां पर मैंने दो नाम लिख रखे हैं, एक कलमकारी और दूसरा फ्लोरल कॉटन प्रिंट। अभी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर दो प्रिंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कॉटन पर छपे हुए दो प्रिंट्स हैं। इधर ये लेफ्ट साइड वाला, ये वाला, ये जो है ये कलमकारी प्रिंट है, और ये जो राइट साइड वाला है ये फ्लोरल कॉटन प्रिंट है। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला है, ये लेफ्ट साइड का भारत के आंध्र प्रदेश के जो वेवर्स थे तो उनके द्वारा बनाए गए कलमकारी प्रिंट हैं ये, ठीक है। और जो राइट साइड में है ये ब्रिटेन के एक फेमस पोएट थे और एक आर्टिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था विलियम मॉरिस, उनके द्वारा बनाए गए ये फ्लोरल कॉटन प्रिंट है, फूल वाले छापे कहे जाते थे इनको। अब देखिए इन दोनों में एक चीज सिमिलर है, दोनों में डार्क ब्लू कलर जो है वो यूज किया गया है, इसे कॉमनली इंडिगो कहा जाता था। ये जो आपको रिच ब्लू कलर दिख रहा है दोनों में, इसको इंडिगो कहा जाता था। द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स। बाय द 13th सेंचुरी ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वॉज वेरी हाई। यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन द प्लांट
ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वोट टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाइज। देखिए जो इंडिगो प्लांट है तो ये मोस्टली कहाँ पर मुख्य रूप से कहाँ पर ग्रो करता है? ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन आप जानते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो हिस्सा होता है उसको ट्रॉपिक्स कहते हैं या ट्रॉपिकल रीजन, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और फिर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच का हिस्सा ये ट्रॉपिक्स कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन इसी को कहते हैं, टॉरिड जोन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, फिर इसके ऊपर आपका टेम्परेट जोन पड़ेगा, फिर सबसे ऊपर पोल्स के पास में फ्रिजिड जोन होता है। चलिए तो हम लोग हिस्ट्री पे वापस आ जाते हैं फिर से। तो ये जो नील का पौधा होता है इंडिगो प्लांट, ये मुख्य रूप से कहां पर होता है, कहां उगता है? ट्रॉपिकल रीजन में, उष्णकटिबंधीय इलाकों में। 13वीं सेंचुरी तक, 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर थे, जो कपड़ा उत्पादक थे वहां पर, वो कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे 13वीं सेंचुरी तक का। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी ही मात्रा यूरोपीय बाजारों में, यूरोपियन मार्केट में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, क्योंकि जब बहुत कम मात्रा में पहुंचती तो उसकी कीमत बहुत ऊंची रहती थी। ठीक है, क्योंकि यहां से एक्सपोर्ट किया जाता था उसको, और बहुत कम मात्रा में। इसीलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को कि जो वॉयलेट कलर होता था, बैंगनी कलर कह लीजिए या नीला रंग बनाने के लिए वोड नाम का एक पौधा होता था, ठीक है, उस पर उनको डिपेंड होना पड़ता था। और जो वोड है वो टेम्परेट जोन्स में उगता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रॉपिकल रीजन होता है, इसको टॉरिड जोन कहते हैं, और उसके ऊपर टेम्परेट जोन आपको मिलेगा। तो ये टेम्परेट जोन मतलब यूरोप का हिस्सा आ गया। तो जो वोड है वो यूरोप में आसानी से अवेलेबल था, क्योंकि ये शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, तो इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। और ये जो आपका नॉर्दर्न इटली हो गया और सदर्न फ्रांस हो गया, जर्मनी, ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। ठीक है, नील के साथ कॉम्पिटिशन से परेशान यूरोप के वोड उत्पादक, अब देखिए नील की जो यहाँ नील का जो वैल्यू थी वो ज्यादा थी, नील की कीमत ज्यादा थी, और जो नील का जो रंग था, कलर, वो भी बहुत बढ़िया रंग आता था जब छपाई होती थी रिंग की, नील की, तो इसीलिए बहुत तगड़ा कंपटीशन देता था। तो इससे जो वहां के वुड उत्पादक थे उन्होंने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दें, मतलब नील का जो इंपोर्ट है पूरी तरीके से बंद कर दें, क्योंकि नील आता है तो उनका फिर माल बिक नहीं पाता है, क्योंकि नील की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने बोला कि पूरी तरीके से इंपोर्ट पर आप पाबंदी लगा दीजिए। लेकिन जो कपड़े को रंगाई करते थे वो तो नील को ही पसंद करते थे, नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, बहुत बढ़िया सा, जबकि वोड से मिलने वाला रंग वो बेजान मालूम देता था, मतलब फीका सा, दम नहीं थी उसमें, फीका मालूम पड़ता था। देखिए 17वीं सेंचुरी तक आते आते तो यूरोप के जो कपड़ा उत्पादक थे, क्लॉथ जो मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। अब ये देख लिया, जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने कहा कि जब क्लॉथ पे वो कपड़ा बनाते थे तो उसमें नील का रंग बहुत अच्छा सा चटक रंग आता था, तो उन्होंने सरकारों से कहा कि इस पर आप जो पाबंदी आप जो लगा रखे हैं उस पर आप ढील छोड़िए। तो उस पर पाबंदी में जब ढील मिली तो अपनी सरकारों को उन्होंने राजी कर लिया। तो कैरेबियन आइलैंड ग्रुप में सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी जो थे उन्होंने, ब्राजील में पोर्चुगीज थे उन्होंने, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोगों ने नील की खेती करने लगे, क्योंकि वहां पर ये लोग थे, इन्होंने उसको कॉलोनी बना रखा था, तो इन्होंने वहां पर नील की खेती की। और जो नॉर्थ अमेरिका था, नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे हिस्से में नील के बागान सामने आ गए थे। बागान आप समझते हैं ना, बागान एक बड़ा सा खेत होता है जिस पर जो बागान मालिक होते हैं बहुत सारे लोगों को उस समय जबरन काम करवाते थे, और जैसे कॉफी हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, चाय हो गया, और आपका कॉटन हो गया। ठीक है, इनके बागानों के बारे में हम लोगों ने देखा है, और अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको प्लांटेशन बोल देंगे। ठीक है, फिर 18वीं सेंचुरी के लास्ट तक, आखिर समय तक, जो इंडिया का जो इंडिगो थी, इंडिया की जो इंडिगो थी भारतीय नील, इसकी मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग शुरू हो चुका था वहां पर,
तो उससे जो कॉटन का जो उत्पादन था, जो कॉटन का प्रोडक्शन था, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब कपड़ों की जो रंगाई की मांग थी, वो भी जब कॉटन का उत्पादन बढ़ा तो कपड़ों की रंगाई की मांग भी बढ़ने लगी, कि अब उनको रंगाई की भी डिमांड बढ़ने लगी। जब इंडिगो की मांग बढ़ी, उसी समय वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति, जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जो सप्लाई होती थी, वो कई सारे रीजंस की वजह से बंद हो गई थी। उसके बाद में फिर देखिए, बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाई हाफ। क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। तो हुआ क्या, 1783 से 1789 के बीच में दुनिया का इंडिगो का प्रोडक्शन वो आधा रह गया था। तो जो ब्रिटेन के जो डायर्स थे, रंगरेस कह लीजिए इनको हिंदी में, ठीक है, ये रंगते थे ना, रंगाई करते थे। तो जो ब्रिटेन के जो डायर्स थे, अब ये नील की सप्लाई के लिए बहुत बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे, किसी और सोर्स की, अब कहीं और से सप्लाई हो सके, क्योंकि जब वहां से सप्लाई बंद हो गई है, तो अब जब इतना ज्यादा प्रोडक्शन कॉटन का हो रहा है, रंगाई की मांग बढ़ रही, तो अब इनकी भी बेचैनी से ये सोच रहे थे हमको कोई नया स्रोत मिले इंडिगो सप्लाई का। अब देखिए, यूरोप में इंडिगो की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में इंडिगो की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी थी, क्योंकि यहां पर ब्रिटिश ने तो कॉलोनी बना रखी थी अपनी, तो उन्होंने भी देखा यूरोप में इतनी डिमांड है, तो यहां पर वो देखने लगे थे कि अब रास्ते हमको ढूंढने हैं इंडिगो का, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें और फिर उससे पैसा भी खूब कमाएंगे। तो फ्रॉम द लास्ट डेकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली एंड बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। तो 18वीं सदी के आखिरी दशकों में, आखिरी डेकेड से ही बंगाल में जो नील का प्रोडक्शन था, नील की खेती तेजी से बढ़ने लगी थी, और बंगाल में पैदा होने वाला नील जो था वो दुनिया के बाजारों पर छा गया था। बस हर जगह बंगाल का ही नील समझ में आ रहा था लोगों को। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इन टू ब्रिटेन वॉज फ्रॉम इंडिया। बाई 1810 द प्रपोर्शन हैड गॉन अप टू 95%। अब देखिए, 1788 में ब्रिटेन के द्वारा इम्पोर्ट किए गए नील में भारतीय इंडिगो जो थी, इंडियन इंडिगो थी, इसका हिस्सा केवल लगभग 30% था। लेकिन 1810 में ब्रिटेन के द्वारा इंपोर्ट किए जाने वाले इंडिगो में ये जो इंडियन इंडिगो था, इसका हिस्सा 95% तक हो चुका था। तो आप देख रहे हैं, जैसे जैसे नील का जो व्यापार था वो फैला, कंपनी के जो ऑफिसर्स थे और भी जो ट्रेडिंग एजेंट्स थे, वो लोग नील के प्रोडक्शन में पैसा लगाने लगे, क्योंकि बड़ी कमाई थी नील में। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे ऑफिसर्स ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। उन्होंने कहा सबसे बढ़िया तो इसी में इन्वेस्टमेंट करना है, नील की खेती करवाओ, नौकरी में कितना कमा लेंगे, इसमें तो इतना कमा लेंगे, सब कुछ ही समय में बहुत संपत्ति बन जाएगी। तो नौकरियां छोड़ दी, भारी प्रॉफिट की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग इंडिया आए और उन्होंने इंडिगो के प्लांटेशंस लगाना शुरू कर दिए, ठीक है, इंडिगो के बागान लगा लिए यहां पर। जिनके पास इंडिगो की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक लोन देने को तैयार रहते थे आसानी से, कि हाँ आप लोन ले लीजिए और इंडिगो प्लांटेशन कीजिए। अब देखिए, एक मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं, ये देखिए, ये जो पिक्चर है, ये सेंट डोमिंगो में जो वहां के स्लेव्स थे उनका जो रेबेलियन हुआ था, कब, अगस्त 1791 में, तब की पिक्चर है ये। तो अब आगे देखते हैं, इन द 18, अब इसी से रिलेटेड यहां पर आखिर ये पिक्चर क्यों मैंने आपको दिखाया। इन द 18th सेंचुरी फ्रेंच प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो एंड शुगर इन द फ्रेंच कॉलोनी ऑफ सेंट डोमिंगो इन द कैरेबियन आइलैंड्स। कैरेबियन आइलैंड्स आपको पता होगा, जैसे पोर्टो रिको हो गया, क्यूबा हो गया, ये सब कैरेबियन सी से लगे हुए हैं, ठीक है। कैरेबियन आइलैंड्स, द अफ्रीकन स्लेव्स हु वर्कड ऑन द प्लांटेशंस रोज इन रिबेलियन इन 1791, बर्निंग द प्लांटेशंस एंड किलिंग देयर रिच प्लांटर्स। इन 1792 फ्रांस एबॉलिश्ड स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज।
दीज इवेंट्स लेड टू द कोलैप्स ऑफ द इंडिगो प्लांटेशंस ऑन द कैरेबियन आइलैंड्स। तो देखिए 18वीं सदी में ये जो फ्रेंच प्लांटेशंस थे, फ्रांसीसी बागान थे, इनके जो मालिक थे, मालिकों ने कैरेबियन आइलैंड्स के जो ग्रुप्स, कैरेबियन आइलैंड ग्रुप्स में जो जगह थी जहां पर फ्रेंच कॉलोनीज थी, फ्रांसीसी उपनिवेश था, तो कौन सी जगह आपको मैंने बताई, सेंट डोमिंगो, वहां पर इंडिगो मतलब नील और शुगर, चीनी शक्कर का जो प्रोडक्शन था वो शुरू किया। अब इन प्लांटेशंस में काम करने वाले जो अफ्रीकन स्लेव्स थे वो 1791 में बगावत पर उतर आए, उन्होंने रेबेलियन कर दिया, उन्होंने बागान जला दिए, जो प्लांटेशंस थे उनको जला दिया और अपने जो धनी मालिक हुआ करते थे, ठीक है, उनको मार डाला, पैसे वाले मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने, अब जब इतना सब वहां पर देखा, इतनी प्रॉब्लम्स बन गई हैं, तो 1792 में फ्रांस ने जो भी उसके अंडर में जो थे, जो उसकी कॉलोनीज थी, उपनिवेश जिनको बना रखा था उसने, तो वहां पर स्लेवरी खत्म कर दी, दास प्रथा को समाप्त कर दिया। तो यही जो घटनाएं थी, इन्हीं घटनाओं की वजह से कैरेबियन आइलैंड ग्रुप्स में इंडिगो की खेती पूरी तरह से ठप हो गई थी। इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो जाए और एकदम से ज्यादा प्रेशर भी ना पड़े, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। और मैंने समझाया पूरा, देखिए चैप्टर में जो जो बातें समझाई मैंने सब है, लेकिन लिखा मैंने सिर्फ वही है जो इम्पोर्टेंट नोट्स बनाने हैं, तो आप उन बातों को लिख लीजिए और जितना भी चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन है वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आप चैप्टर का पूरा रिमेनिंग पोर्शन भी उसमें पढ़ेंगे और क्या चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।